अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्रीन नेटवर्क की डिटेल देनी थी। ग्रीन नेटवर्क पे केवाईसी आई हुई है, वो आपने केवाईसी करनी है। और ग्रीन नेटवर्क का जो टोकन है वो किस तरह इंपोर्ट करना है, अपने ट्रस्ट वैलेट में या मेटामास्क में, ये तमाम डिटेल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो तमाम लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, क्योंकि तमाम वीडियो तमाम डिटेल इसी चैनल पे मैं मुहैया करता हूँ। इसके अलावा हमारा यूट्यूब व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी है, आप अगर किसी दोस्त को ऐड करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं, या लिंक शेयर कर देते हैं, या ऐड मेम्बर का ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप ऐड भी कर सकते हैं। चलें आए वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये देखें GRC जहाँ पे मेरा बैलेंस हो रहा है ना ऊपर, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे देखें जहाँ डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने वैलेट एड्रेस पुट करना है। वैलेट एड्रेस कौन सा पुट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे पुट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो ऊपर परसेंटेज है ये मैंने तो कर दी थी 100% और 5 साल, मतलब मैं 5 साल अपने सिक्के नहीं निकलवा सकता, मैंने जानबूझ के किया था। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 साल करना है और 20% करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग एज सून एज पॉसिबल जल्दी ना अपने सिक्के बेच सकते हो, ठीक है ना, 1 साल के अंदर। अभी मतलब 1 साल क्या, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी ना तो आप लोग अपने सिक्के बेच सकोगे, लेकिन मैं नहीं बेच सकूँगा। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर 20% करना है और नीचे ड्यूरेशन जो है वो 1 साल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी के बटन पे क्लिक कर देना है और अपना एड्रेस यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है ना। एड्रेस कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ऊपर देखें 3 लाइनें हैं ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये देखें ऑप्शन आ गया कंट्रैक्ट का, कंट्रैक्ट पर क्लिक किया। जैसे ही आप कंट्रैक्ट पर क्लिक करते हैं ना, तो कंट्रैक्ट पर यहाँ पे जो आपने एड्रेस पुट करना है ना, ये देखें ग्रीन स्मार्ट कंट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है ना। अब ये तो है ग्रीन नेटवर्क का कंट्रैक्ट एड्रेस, लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये आपने इंपोर्ट कहाँ पे करना है, असल नेटवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इसके 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट इम्पोर्ट के बटन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये देखें, सेलेक्ट नेटवर्क, पहले आपने नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है, BNB, ठीक है ना। जैसे आप मतलब वो ऐड करते हैं, नेटवर्क ऐड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐड नेटवर्क पे। वैसे BNB जो है तमाम में ऐड होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, होता है मतलब ग्रीन नेटवर्क इसमें ट्रस्ट वैलेट में भी होता है, मेटामास्क में भी होता है, ठीक है ना। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ ट्रस्ट वैलेट को। अब देखें ये देखें BNB हमारे पास ऐड है, BNB ये पहला देखें BNB ऐड है। जिनके पास BNB ऐड नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ऊपर जो गोल 2 निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे ऐड। अब देखें एक ऑप्शन आता है टोकन का, एक आता है नेटवर्क का। तो सबसे पहले आपने अगर जिसके पास BNB नहीं है तो वो कौन सा ऐड करेगा, वो नेटवर्क ऐड करेगा। नेटवर्क कौन सा होगा, यहाँ पे आपने लिखना है नेटवर्क, ये देखें BNB स्मार्ट चेन। सैम्पल जो होगा वो BNB होगा, चेन ID जो होगा वो 56 होगा, और URL ये चीज़ें आपने क्या करनी है यहाँ पे डाल देने हैं। देखें एक मिनट, देखें URL एक्सप्लोर URL सारा कुछ ऐसे इंपोर्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, BNB आ जाएगा। लेकिन सबके पास BNB होता है, ये देखें BNB पहले है। जैसे आप BNB ऐड सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से आपने क्या करना है, BNB का रिसीविंग एड्रेस लेके वहाँ पे पुट करना है। चलें मैं आपको बता देता हूँ कि टोकन आपने फिर किस तरह इम्पोर्ट करना है। ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पे टोकन पे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है BNB, ठीक है। और एड्रेस आपने फिर कहाँ से लेना है ये देखें, ये इसे क्या कर लेना आपने,
कॉपी। जैसे आप यहाँ इसे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे देखें GRC टोकन आ गया है। असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर जो हो वो BNB स्मार्ट चेन, ऊपर नेटवर्क जो हो वो BNB स्मार्ट चेन, और बाकी जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रैक्टर एड्रेस पुट करेंगे GRC टोकन GRC सारा कुछ आ जाएगा। आपने इसे क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपने इसका क्या कर लेना है, रिसीविंग एड्रेस ले लेना है, उसे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने दोबारा यहाँ पे जाना है, बैलेंस पे जाना है, और यहाँ पे ये अपना आपने क्या करना है, एड्रेस क्या कर देना है, पुट कर देना है। मैं आपके सामने दोबारा पुट करके दिखाता हूँ। ये मैं पहले वाला काट रहा हूँ सारा, ठीक है, ये कट गया। अब देखें ये पेस्ट किया तो सेव एड्रेस, ठीक है, ये सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। इसे आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू। ये आपकी KYC है, मतलब आप देख लें, अगर यही टोकन आप ग्रीन कट जो टोकन है ये आप मेटामास्क में या ट्रस्ट वैलेट में इंपोर्ट करेंगे पहले, फिर यहाँ आके पुट करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपने ऊपर परसेंटेज आपने 20 रखनी है और साल एक रखना है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है, फिर वरना आपको 5 साल के लिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।